वेलकम टू आसमान आईएएस। आज है 15 जुलाई। आइए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। सबसे पहले बात करेंगे हम पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में। क्या है पीएम स्वनिधि स्कीम? देखिए, फिलहाल यूनियन गवर्नमेंट ने पीएम स्वनिधि स्कीम लॉन्च की है, जिसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। इसके अंतर्गत क्या होगा, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको एक माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी यानी लोन प्रोवाइड किया जाएगा यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। मेन एम इसका है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जिनका कोविड-19 लॉकडाउन के टाइम पे सारा काम धंधा चौपट हो गया है, उनके काम को लाइन पे लाना, यानी कि उन्हें लोन प्रोवाइड करके उनके काम को रीस्टार्ट करवाना। क्या क्या जानकारी है इस स्कीम के बारे में, डिटेल में बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा स्कीम को लॉन्च किया गया है और इसका जो ड्यूरेशन है वो है मार्च 2022 तक का। ध्यान रखिएगा, मार्च 2022 तक के लिए स्कीम है। टारगेट है 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को बेनिफिट करना, जो कि 24 मार्च से पहले तक अर्बन एरियाज में एज अ स्ट्रीट वेंडर काम कर रहे थे। अब यहाँ पे ऐसा क्यों कहा गया कि ऐसा नहीं, गवर्नमेंट 10,000 रुपए का लोन दे रही है तो आज हम जाके कहने लगे हम भी स्ट्रीट वेंडर हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर जो 24 मार्च से पहले ही रजिस्टर्ड स्ट्रीट वेंडर था, उन्हीं को इस स्कीम का लाभ मिलेगा। ऐसा पहली बार हो रहा है कि अर्बन लाइवलीहुड्स यानी अर्बन एरियाज के स्ट्रीट वेंडर्स को गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड कर रही है। कितना लोन प्रोवाइड किया जाएगा? स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपीज का लोन प्रोवाइड किया जाएगा एज अ वर्किंग कैपिटल, जो कि उन्हें मंथली इंस्टॉलमेंट्स में एक साल के अंदर रिटर्न करना है। आराम से एक साल में 10,000 रुपए लौटाने हैं। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि मध्य प्रदेश जो है वो टॉप पोजीशन में है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में। यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि अगर कोई भी इसका टाइमली रीपेमेंट कर देता है यानी लोन को समय से लौटा देता है, तो सरकार उन्हें 7% पर एनम की रेट से सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, जो कि उनके बैंक अकाउंट्स में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स के थ्रू पहुंचेगा 6 मंथ्स बेसिस पे। अर्बन लोकल बॉडीज जो है वो मेन रोल प्ले करेंगी इसके इम्प्लीमेंटेशन में, और जो लोन प्रोवाइड करेंगे वो इंस्टीट्यूशंस होंगे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, एनबीएफसीज यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। और इसके फास्ट इम्प्लीमेंटेशन और ट्रांसपेरेंसी के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक वेब पोर्टल के साथ मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है, जो कि इस स्कीम को एडमिनिस्ट्रेट करेगा और एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। बढ़ते हैं आगे। रिसेंटली नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी NSO ने एक रिटेल इन्फ्लेशन डेटा रिलीज किया है, जिसमें कहा गया है कि जून 2020 में 6.09% की रेट से इन्फ्लेशन बढ़ गया है। अब यहाँ पे रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है? देखिए, रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर मेजर किया जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन को मेजर करने के दो पैमाने होते हैं, एक तो होलसेल प्राइस इंडेक्स और एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि रिटेल, और होलसेल में क्या होगा, होलसेल जो फैक्ट्री में जब इनिशियली चीजें बनती हैं उस बेसिस पे। यहाँ पे इन्फ्लेशन देखा गया पल्सेस में 16.68% का, उसके अलावा मीट एंड फिश सेगमेंट में 16.22%, ऑयल्स एंड फैट्स में 12.27% और स्पाइसेस में 11.74% की रेट से इन्फ्लेशन हुआ है जून 2020 में। अब यहाँ पे कहा गया है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो RBI की जो अपर मार्जिन है ना 6%, उसके पार जा चुका है। अब अपर मार्जिन क्या है? देखिए, 2014 में उर्जित पटेल की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। उन्होंने कहा था कि इन्फ्लेशन जो है वो 4% के बैंड के अंदर अंदर होनी चाहिए, यानी सेंटर पॉइंट मान लिया है 4 को, उसके 2% ऊपर या फिर 2% नीचे। अगर इससे ज्यादा या कम होती है तो इंडिया की या किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो सकती है। तो अब यहाँ पे देखिए 6.09, यानी कि ये 6 से भी ऊपर निकल चुकी है, तो ये एक मेजर कंसर्न है इंडिया के लिए। जानते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बास्केट में क्या क्या चीजें कवर होती हैं। तो यहाँ पे है 25% हाउसिंग, 22% फूड,
रिक्रिएशन में 16%, ट्रांसपोर्ट 16%, एजुकेशन एंड स्टेशनरी में 7%, हेल्थ केयर 6%, कम्युनिकेशन 5% और क्लॉथिंग एंड फुटवेयर 3%। ये सारी चीजें सीपीआई बास्केट में कवर अप होती हैं। डिटेल में बात करेंगे सीपीआई के बारे में। ये जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये रिटेल बायर के पर्सपेक्टिव से प्राइस में जो चेंजेस हो रहे हैं उन्हें मेजर करता है, यानी कि इन्फ्लेशन हो रहा है या डिफ्लेशन हो रहा है। सीपीआई कैलकुलेट्स द डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज। जो अभी हमने बात की वो सारी सर्विसेज इसमें कवर होंगी। अब जो सीपीआई है वो चार तरह के होता है, सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी IW, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर्स, सीपीआई फॉर रूरल लेबर्स और सीपीआई फॉर रूरल अर्बन कंबाइंड। अब यहाँ पे जो पहले तीन है यानी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, रूरल लेबर, ये तीनों कंपाइल किए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा, जबकि जो चौथा है यानी रूरल अर्बन कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO के द्वारा कंपाइल किया जाता है। NSO मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। अब जो भी इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं उसका कोई ना कोई आधार वर्ष होना चाहिए, यानी कि हमने कहा कि 6% महंगाई बढ़ गई है तो कब से बढ़ गई है, कोई ना कोई बेसिस होगा। तो जो बेस ईयर है सीपीआई का वो है 2012, और जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है वो सीपीआई के डेटा को ही यूज करती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, द वन एंड ओनली गोल्डन टाइगर इन इंडिया हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन। भारत में एकमात्र गोल्डन टाइगर देखा गया, कहां पर देखा गया? ऑप्शन ए बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ऑप्शन बी काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन सी गिर नेशनल पार्क या फिर ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, काजीरंगा नेशनल पार्क। आप सभी को याद होगा काजीरंगा के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके थे कुछ दिनों पहले। ये असम में है और फेमस है वन हॉर्न रेनो के लिए, ये टाइगर्स के लिए भी फेमस है। अभी अभी इसे नेशनल पार्क बनाया गया। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पिक्चर है गोल्डन टाइगर की, जिसे टैबी टाइगर और स्ट्रॉबेरी टाइगर भी कहते हैं, ये फोटोग्राफी की गई मयूरेश हेनरी के द्वारा। ये देखिए आप गोल्डन टाइगर। इंडिया के 2018 के टाइगर सेंसस में जो डेटा रिलीज किया गया उसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एड किया गया है। इंडिया इज ऑल्सो फुलफिल्ड इट्स रेजोल्यूशन टू डबल द टाइगर नंबर्स मेड एट सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट 2010 बिफोर द टाइगेट ईयर ऑफ 2022। 2010 में पीटर्सबर्ग टाइगर समिट हुआ था जिसमें कहा गया था कि 2022 तक हमें टाइगर्स की संख्या भारत में डबल करनी है, और वो टारगेट इंडिया ने 2020 में ही कंप्लीट कर लिया है। इंडिया में टाइगर्स की संख्या जो है वो 1500 से बढ़कर 2976 हो गई है, यानी ऑलमोस्ट डबल हो गई है। साथ ही डिटेल में बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था 1973 में, और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर में क्या अंतर होता है? देखिए, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है वो टोटली फंडेड होती है गवर्नमेंट के द्वारा, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होती है उनमें कुछ पार्ट गवर्नमेंट देती है। यहाँ पर जो प्रोजेक्ट टाइगर है इट हैज इंक्रीज टू 50 टाइगर रिजर्व, मतलब प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत जो कवरेज है वो 50 टाइगर रिजर्व तक बढ़ गया, जो कि स्टार्टिंग में जब ये शुरू हुआ था 1973 में तब सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व थे। उसके बाद हम देखें कि 2.21% एरिया जो है पूरे कंट्री का वो कवर करता है। टाइगर रिजर्व्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होते हैं बफर स्ट्रेटेजी के अंतर्गत, यानी कि द कोर एरियाज हैव द लीगल स्टेटस ऑफ अ नेशनल पार्क और अ सेंचुरी, वेयर एज द बफर और पेरिफेरल एरियाज आर अ मिक्स ऑफ फॉरेस्ट एंड नॉन फॉरेस्ट लैंड मैनेज्ड एज अ मल्टीपल यूज एरिया। ओके, अब यहाँ पे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की बात हो रही है। ये लॉन्च हुई थी 2005 में, जो कि टाइगर टास्क फोर्स के रिकमेंडेशंस को फॉलो करती है। ये एक स्टैचुअरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर सुपरविजन और कोऑर्डिनेशन का काम करती है।
साथ ही साथ जान लेते हैं एम स्ट्राइप्स के बारे में। एम स्ट्राइप्स यानी मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। ये एक ऐप बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसके द्वारा पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ पे टाइगर रिजर्व्स हैं और उनमें उनकी क्या कंडीशंस हैं उन्हें मॉनिटर करता है GIS के थ्रू। तो इस तरह से नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने 2010 में एम स्ट्राइप्स स्टार्ट किया था। बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बीन अवॉर्डेड एलाइट्स एक्सेलेंस अवार्ड्स 2020। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी असम। करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को ये अवार्ड मिला है एलाइट्स एक्सेलेंस अवार्ड 2020। क्यों मिला है? चीफ मिनिस्टर के दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप जो कि एक मॉनिटरिंग सिस्टम है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का, और सुराजी गांव स्कीम और अदर जो फ्लैगशिप स्कीम्स वहां पे चल रही हैं उन सभी के इनिशिएटिव के लिए यहां पर छत्तीसगढ़ को एलाइट्स एक्सेलेंस अवार्ड 2020 दिया गया है। इट हैज बीन अवार्डेड दिस ऑनर बाय द कंट्रीज प्रेस्टीजियस आईटी इंस्टीट्यूशन एलाइट्स टेक्नोमीडिया। तो किसके द्वारा दिया गया? एलाइट्स टेक्नोमीडिया जो कि न्यू दिल्ली में है, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत यह अवार्ड दिया गया है। थोड़ा सा जान लेते हैं चीफ मिनिस्टर दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप के बारे में। ये एक डायरेक्टली मॉनिटर फ्लैगशिप स्कीम है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की जो कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कॉमन सिटीजन्स को मोबाइल ऐप्स के थ्रू। ओके, फिलहाल छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं वो हैं भूपेश बघेल जी और गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। आगे बढ़ते हैं। US has surpassed China to become India's top trading partner। यानी कि US ने चाइना को भी पीछे करके इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। According to the data of the Commerce Ministry, 2018 में जो इंडिया और यूएस का bilateral ट्रेड था उससे भी आगे निकल के हम 87.95 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच चुके हैं। 2018-19 में यूएसए ने चाइना को पीछे कर दिया था, यानी पिछले दो साल से यूएसए जो है वो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का। इससे पहले चाइना टॉप ट्रेडिंग पार्टनर था। The bilateral trade between India and China has dipped to 81.87 billion US dollars. Recently, India ने 59 Chinese apps को भी ban कर दिया है, जिसकी वजह से जो foreign direct investment है वो भी अब government को approval लेना पड़ेगा कोई भी foreign direct investment के लिए। यानी कि China के जो भी FDIs हैं वो India में easily नहीं हो सकते हैं, तो इसकी वजह से भी जो हमारा ट्रेडिंग है वो काफी ज्यादा पीछे हो गया है चाइना के साथ। अगला क्वेश्चन है, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया बुक इज रिटन बाय। ऑप्शन ए कृष्णा सोबती, ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन सी सुधा मित्तल या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सही आंसर है ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड के द्वारा ये किताब लिखी गई है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं आगे। हु हैज टू बी अवॉर्डेड विद 2020 वन कर्मन अवार्ड। ऑप्शन ए एम चंद्रशेखरन, ऑप्शन बी के सिवान, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी या फिर ऑप्शन डी प्रतिभान जोशी। इमेज देखकर आप समझ ही गए होंगे ऑप्शन बी के सिवान, इन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा वन कर्मन अवार्ड जो कि इसरो के चीफ हैं। डिटेल में बात करते हैं, इसरो के चीफ के सिवान जी को वॉन कर्मन अवार्ड 2020 के लिए चयनित किया गया है इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स के द्वारा। जो वॉन कर्मन अवार्ड है ये हाईएस्ट डिस्टिंक्शन है इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स का, और 2021 मार्च में पेरिस में इन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा। प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव जो थे वो पहले भारतीय थे जिन्हें वॉन कर्मन अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2005 में, और डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन को वॉन कर्मन अवार्ड मिला था 2007 में। डिटेल में बात करते हैं वॉन कर्मन अवार्ड के बारे में। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स ये जो संस्था है ये वॉन कर्मन जी के द्वारा
फाउंड की गई थी, यानी उनके द्वारा स्थापित की गई थी, इसीलिए आईएए जो है हर साल वॉन कर्मन अवार्ड देता है। यानी कि वॉन कर्मन जो थे आईएए के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। वॉन कर्मन अवार्ड्स एस्टैब्लिश हुए थे 1982 में और ये उसके प्रीमियर अवार्ड्स हैं एकेडमी के। इट इज गिवन एनुअली टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट्स इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस विदाउट लिमिट ऑफ नेशनलिटी और जेंडर। बढ़ते हैं आगे। वर्ल्ड यूथ स्किल डे सेलिब्रेटेड ऑन ऑप्शन ए 13 जुलाई, ऑप्शन बी 14 जुलाई, ऑप्शन सी 15 जुलाई या फिर ऑप्शन डी 16 जुलाई। सही आंसर है ऑप्शन सी 15 जुलाई, यानी कि आज वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे है और इस साल की जो थीम है वो है स्किल्स फॉर अ रेजिलिएंट यूथ। अब इंडिया के लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज ही के दिन 2015 में स्किल इंडिया मिशन लॉन्च किया गया था, तो आज 5th एनिवर्सरी है स्किल इंडिया मिशन की। इस साल एक ऑनलाइन पैनल डिस्कशन भी होगा जो कि जिसकी थीम होगी रेजिलिएंट यूथ इन द एरा ऑफ कोविड-19 एंड बियॉन्ड, जो कि फोकस करेगा स्किल्स फॉर अ रेजिलिएंट यूथ पर। हर साल वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 15 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस इसकी क्या है, यूथ्स को इक्विप करना स्किल्स से, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो वहाँ के यूथ्स पे डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा वहाँ के यूथ्स का स्किल डेवलपमेंट होगा, जितने ज़्यादा वो ग्लोबल चैलेंजेस को फीचर करने में केपेबल होंगे, उतना ज़्यादा वहाँ का डेवलपमेंट हो सकता है। तो अभी फिलहाल ये देखा गया, यूनेस्को ने कहा है कि लगभग 70% जो वर्ल्ड के लर्नर्स हैं वो स्कूल क्लोजर्स की वजह से अफेक्टेड हुए हैं, यानी कि कोविड-19 पैंडेमिक में सभी स्कूल्स, कॉलेजेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो बंद हैं। इसीलिए टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग एजुकेशन यानी टीवेट यूनेस्को और आईएलओ वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एक डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसके बारे में कहा गया है कि हम ऑनलाइन या डिजिटल लर्निंग के थ्रू यूथ्स में कई सारे स्किल्स को, डेवलपमेंट्स को और ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर सकते हैं उन्हें, ताकि वो आगे के लिए प्रिपेयर्ड रहें, ज़्यादा कनेक्टिविटी हो सके। और कई सारे ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस भी दिए जा रहे हैं, कई सारे सर्टिफिकेशंस कोर्स भी उन्हें कराए जा रहे हैं। कोविड-19 पैंडेमिक के द्वारा हर 6 में से 1 यंग पीपल जो है वो अपने काम से बाहर कर दिया गया है। तो ऐसे टाइम में जब यूथ से ये आशा की जा रही है कि वो अपना एफर्ट दें, वो अपना योगदान दें इस मुश्किल घड़ी से निकलने में, तो ऐसे में ज़रूरी है कि उन्हें कई सारे स्किल्स दी जाएं, उन्हें इक्विप किया जाए कई सारे स्किल डेवलपमेंट से, कई सारे ट्रेनिंग से, ताकि वो कुछ कर सकें इस दिशा में। साथ ही साथ हम जान लेते हैं स्किल इंडिया मिशन के बारे में। स्किल इंडिया मिशन जो है वो एक गवर्नमेंट स्कीम है, 2015 में इसे लॉन्च किया गया था और ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम क्या होती है? कोई भी ऐसी स्कीम जिसके अंदर कई सारी स्कीम्स या सब स्कीम्स इन्वॉल्व हो, यानी कि एक मिशन है स्किल इंडिया, इसके अंतर्गत कई सारी छोटी छोटी स्कीम्स चलाई जा रही हैं जिसमें यूथ्स को स्किल प्रोवाइड करना और उनके डेवलपमेंट को सुनिश्चित किया जाएगा। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू प्रोवाइड मार्केट रेलेवेंट स्किल ट्रेनिंग टू मोर देन 40 करोड़ यंग पीपल बाय द ईयर 2022। 2022 तक लगभग 40 करोड़ यूथ्स को स्किल्स प्रोवाइड करना है जो कि मार्केट रेलेवेंट हों, यानी आज की जरूरत के अनुसार। इट इंटेंड्स टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज एंड स्पेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टैलेंट्स इन इंडियन यूथ। और मेन इसका जो एम है वो है कि उन सेक्टर्स के लिए यूथ्स को डेवलप करना जो कि आज उभर रहे हैं। इसके और अदर ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्लोजिंग द गैप बिटवीन स्किल रिक्वायर्ड बाय द इंडस्ट्री एंड स्किल पीपल पजल्स फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रिड्यूसिंग पॉवर्टी इन द कंट्री, इंक्रीजिंग द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन बिजनेस, एंश्योरिंग दैट स्किल ट्रेनिंग इम्पार्टेड इज रेलिवेंट एंड ऑफ क्वालिटी, प्रिपेयरिंग इंडियंस टू टेक ऑन द वर्ल्ड मैन पावर और रिसोर्स मार्केट, यानी कि इंडियन यूथ्स को ग्लोबल लेवल पे कॉम्पीट करने के जितना उन्हें बनाना, उन्हें डेवलप करना, ये इसका मेन मिशन है। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ।
तब तक बने रहिए आसमान आईएएस की।